तो जय जगन्नाथ दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ नया ब्लॉग के साथ। अभी मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल में, जो कि तमिलनाडु में तिरुचला डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का जस्ट मैं 100 मीटर दूर पे हूँ, और चलिए मंदिर को परिदर्शन करते हैं। पीछे जो मेरा गोपुरम देख रहे हो, वो इंडिया का सबसे बड़ा गोपुरम है, 256 फीट का। इसको राज गोपुरम भी कहा जाता है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, इसके आगे और भी बहुत सारा गोपुरम है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर का अंदर हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं, गोपुरम का अंदर। जो पहला गोपुरम था वो काफ़ी बड़ा था, और अभी छोटा गोपुरम आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया मूर्ति पे आर्ट किया गया है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई दूसरा शहर में आ चुके हैं। आप देख सकते हो मार्केट पर के सब लगा हुआ है अंदर, हाथी महाराज। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर आ रहे हैं, धूप के वजह से ये सब ढक दिया गया है, शायद मार्केट भी दे सकते हो। हम लोग अभी चार गोपुरम एंटर करने वाले हैं। तो ये है चार नंबर गोपुरम, देख सकते हो जस्ट उसके साइड में आपको यहाँ पे चप्पल और आपका लगेज रखने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कितना लगेज का क्या प्राइस रहता है। बाहर जो आपको लॉगेज डिपोजिट काउंटर दिखाया था, वहाँ पे आप लॉगेज रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, वो आपका मर्जी है। मैंने तो छोटा सा बैग था, मैंने इसे ले लिया, मोबाइल भी ला लिया हूँ। देखते हैं आगे जाके कहाँ से ये सब रखना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं फोर्थ गेट एंटर कर चुका हूँ, आगे चलते हैं। जस्ट आप फोर्थ गेट एंट्री करोगे तो आपको सामने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 850 पर ग्रुप लेते हैं तमिल और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हो तो 950 है ना? नो, ओनली 1%, 930 ही कमिंग। अच्छा 930 कमिंग, 1%, ओके। तो आपको इस मंदिर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन वो दे पाएंगे। अगर आप ऐसे आते हो इतना दूर, अगर हम लोग इतना दूर से आते हैं, मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही काम आएगा अपने को। तो चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे उनका दर्शन करने का जो टाइम और मंदिर क्लोज है आपका कुछ टाइमिंग भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दर्शन का जो टाइमिंग लिखा हुआ है 6:30 AM टू 12:30 PM, उसके बाद 2:30 PM टू 5:30 PM, आफ्टर 7 PM टू 9 PM, ठीक है। इस टाइम में आपको दर्शन करना मिलेगा, उसके बीच बीच में जो है वो बंद रहता है मंदिर। जस्ट आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे स्पीड दर्शन लिखा हुआ है, पर पर्सन 100 रुपीज़। आप स्पीड दर्शन भी कर सकते हो, नहीं तो फ्री दर्शन भी आपको मिल जाएगा।
मैंने आपको पहले बताया था कि मैं फ्री दर्शन करने वाला हूँ, बट फ्री दर्शन में क्या है, 2 से 2.5 घंटा मेरा लगने वाला है कि उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि स्पेशल दर्शन करने के लिए जो कि पर पर्सन 100 रुपीज लेते हैं, तो चलिए देखते हैं कितना क्या रहता है, कैसा कितना टाइम भी लगता है, आपको बताऊँगा। तो स्पेशल दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो मेरे हाथ में स्पेशल दर्शन का टिकट भी है। और स्पेशल दर्शन करने में आपको 15 से 20 मिनट लगता है दर्शन करने में। दर्शन करके मैं जस्ट बाहर आ चुका हूँ, एक मंडप है वहीं पे मैं खड़ा हूँ। 256 एकड़ में फैला हुआ है इस मंदिर को, कम से कम मेरे को 2 घंटा लग रहा है घूमने के लिए, और भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और आप भी आइए और देखते हैं कितना टाइम आपको लगता है यहाँ पर घूमने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रंगनाथ स्वामी और कोई नहीं, भगवान विष्णु के अवतार है। और मंदिर बहुत ही बढ़िया है, और भी चलो, और बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, घूमते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आ गया, ऊपर चलते हैं देखने के लिए और क्या क्या है। बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो तो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ से मेन मंदिर का टेम्पल बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम गोल्डन कलर। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मंडप के आगे, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है अपने को। अभी जो है मंदिर अभी बंद है, टाइम हो चुका है, जैसे टाइम आपको टाइम बताया था सेम टू सेम सब मंदिर बंद हो जाता है। जस्ट वो मंडप था, मंडप से आपको आने पे यहाँ पे एग्जिट आपको देखने के लिए मिलता है। जब मेन मंदिर दर्शन करके आते हो बाहर के परिसर में, तो आपको सामने से एक मंडप दिखेगा जहाँ पे गरुड़ दर्शन यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए, मान्यता ये भी है जितना रंगनाथ का दर्शन करना है उतना पुण्य है, उतने भी ज़्यादा गरुड़ दर्शन करने पुण्य है। तो चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं। गरुड़ा दर्शन के सामने आपको एक सिटी यूनियन बैंक का ATM आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा है यूज़ ई हुंडी फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए आप ये पैसा निकाल सकते हो यहाँ पे। तो जस्ट आपको सामने से आपको प्रसाद मिलता है, आप ले सकते हो, मैं भी लिया हूँ। वो 50 रुपये मेरे लड्डू पड़ा है, प्रसाद का आकार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लड्डू, बहुत सारा वेराइटी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई आपका सीनियर सिटीजन आता है, यहाँ पे गाड़ी का भी है व्यवस्था, आप पेड करके आप ले सकते हो, क्योंकि इतना लंबा दूर पैदल तो नहीं जा सकते है ना। पीछे मेरा गरुड़ा मंडप देख सकते हो, तो उसके गरुड़ा मंडप दर्शन करने के बाद सीधा आपको बैक साइड में आ जाना है। यहाँ पे कुछ मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग पीछे से होते हुए जाएंगे, देखते हैं क्या क्या है पीछे वाला रोड में। वैसे मंदिर का किसी भी साइड में फोटो खींचना है, मोबाइल सामने को निकालना, ये भी फाइन लगाते हैं, तो आप जब भी आइए देख के। Thank you.
तो ये बैक साइड का है पूरा, देख सकते हो। तो इस साइड में बैक साइड में आपको सारा भर को भी देखने को मिलता है, जिस टाइम में ये बंद है जैसे कि ताला लगा हुआ है। तो दूर से मेरे को मछलियाँ भी दिख रहे हैं। धूप भी बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पे, कुछ पीने के लिए दे रहे हैं शायद दही का पानी। धूप का वजह से पैर भी जल रहा है मेरा पूरा। मंदिर के पीछे वाला परिसर में मैं भी जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ है रास्ता खुलेगा। इस साइड में थोड़ा ठंडा लग रहा है, बाकी मंदिर का अंदर जो है बहुत गर्मी लग रहा था। मंदिर का बैक साइड व्यू बहुत बढ़िया है, एकदम नारियल का पेड़ वेड़ लगा हुआ है, मस्त लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग घूमते घूमते निकल जाएंगे बाहर। तो मंदिर के अंदर जो खाना पीना कुछ सिस्टम नहीं है, फिर भी मंदिर बहुत बढ़िया लगा दर्शन करने में। अभी देख सकते हो बाहर का एरिया। तो वहाँ से हम लोग यहाँ तक पैदल में आ चुके हैं, तो अभी एग्जिट पॉइंट आ गया है। तो ये है 5 नंबर गेट, तो यहाँ से 4 नंबर गेट जाता है। तो हम लोग यहाँ से 4 नंबर गेट से होते हुए 1 नंबर को चला जाएंगे, वहाँ से चप्पल लेके चला जाएंगे आगे। धूप बहुत तगड़ा हो रहा है भाई, पैर जल रहा है एकदम। पानी भी थोड़ा मिला था यहाँ पे, पर पानी एकदम गर्म है। तो दोस्तों मैं श्री रंगनाथ टेम्पल घूम चुका हूँ, अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है, बाय रोड, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन। अगर आप फ्लाइट का बात करें तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से आप डायरेक्ट ऑटो भी करके जा सकते हैं, टैक्सी करके जा सकते हैं। अगर आप वो ट्रेन में आना है तो आप जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है श्रीरंगम रेलवे स्टेशन। अगर यहाँ तक आपको ट्रेन नहीं मिलती, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तिरुचिरापल्ली तक आपको ट्रेन मिल ही जाएगा। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मंदिर का डिस्टेंस। तो बाई रोड की हम बात करें तो रोड से हर शहर से कनेक्टिविटी भी आपको मिल ही जाएगा, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। आइए मज़ा कीजिए, बहुत सारे एंजॉय कीजिए, मंदिर बहुत ही बढ़िया है, मेरे दिल से बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक फुल धमाकेदार ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।